तो इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर से शुरुआत जरूर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद में अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के ऊपर थी। और यशस्वी जायसवाल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिनको काफी कुछ अनुभव था और अपने अनुभव के प्रयासों के लगातार इतने शॉट खेले कि शॉट खेलते खेलते दोस्तों उन्होंने इतिहास रच दिया। और एक बार फिर से दोस्तों टेस्ट कैरियर में इन्होंने एक इतिहास रचते हुए अपने नाम दोहरा शतक किया। और जबरदस्त दोहरा शतक करने के बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से धराशायी करते हुए जब ये पवेलियन लौट चुके थे तो दोस्तों पूरी की पूरी डगआउट इनका सल्यूट कर रही थी। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।